अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर बिलाल उमर की तरफ से आप सबको हम पे चैनल पर वेलकम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो पोस्ट करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम आपको पता है कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो भी एक्सेल से ही रिलेटेड थी और आज भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी एक्सेल से ही रिलेटेड है, लेकिन टॉपिक में डिफरेंस है। हमने वो टॉपिक किया था कि हाउ टू क्रिएट एक्सेल टेम्पलेट। अब जो टॉपिक हम करेंगे वो होगा कि हाउ टू मेक चार्ट्स इन द एक्सेल। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक अच्छा सा चार्ट बना के दिखाऊंगा, फिर आप उसके मुताबिक आप अपना भी चार्ट बना सकते हैं। ठीक, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ब्लैंक फाइल ओपन करूंगा। ठीक है, जैसे कि हम जूम करते रहे हैं, जूम करके अब मैं यहाँ पे कुछ डाटा टाइप करूंगा, फिर हम चार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो अभी हमें कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज हमारे पास ओवर्स। मैं अगर क्रिकेट ओवरव्यू के लिहाज से चार्ट एक बनाने लगा हूँ। ये हमारे पास आ गया ओवर्स, और इसके अलावा ये जो दो सेल्स थे यहाँ पे आ गया पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे आ गया इंडिया। ठीक है, तो ओवर्स में मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, मैंने 7 ओवर तक कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पाकिस्तान का स्कोर कितना था इस ओवर में, इंडिया का इस ओवर में कितना स्कोर था। पाकिस्तान का लेट्स सपोज 12, फिर 14, फिर 16, 12, 13, 14, इस ओवर में बैड लक से 0 हो गया। ठीक है, इंडिया का भी रिस्पेक्टिव 15, 14, 18, 17, 10, इंडिया का इसमें 0 हो गया और इसमें इंडिया के स्कोर पर 4। ठीक है, तो अभी मैं ये डाटा सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने एक डाटा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे पूरा चार्ट्स का एक ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं सिलेक्ट करूंगा रेकमेंडेड चार्ट्स जो हमें रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा बार चार्ट को। ये मैंने बार चार्ट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अब मैंने प्रेस किया ओके, तो उसने हमारे पास एक अच्छा सा चार्ट डिस्प्ले में ले आया। ठीक है, तो अब इस चार्ट की एडिटिंग कैसे करनी है वो अब वो वाला टॉपिक स्टार्ट करने लगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अगर हम इस चार्ट के एडिटिंग की तरफ ज्यादा जाएं तो यहाँ पे तीन हमें ऑप्शंस मिलती हैं। एक हमें मिलता है चार्ट स्टाइल, और एक हमें मिल जाता है चार्ट फिल्टर्स। ठीक है, हम चार्ट एलिमेंट्स में जाते हैं तो हम पहले ऐड करेंगे डाटा लेबल्स, यानी कि हर बार के ऊपर कितना डाटा बना है वो डाटा लेबल्स, इसके हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद डाटा टेबल, देखिए नीचे साथ साथ बता रहा है कि इस सारा कुछ ऐसा था। एरर बार्स, ठीक है, ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस होती है जो सेंटर में, यानी कि ये जो लाइंस है ना छोटी छोटी, ये इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं। लेजेंड, ये लेजेंड, लेजेंड का मतलब होता है यानी कि ब्लू कलर है वो पाकिस्तान को शो कर रहा है और जो ऑरेंज कलर है वो इंडिया को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन ये होता है कि अगर हम कोई एक कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो उसके ज्यादा फोकस करेगा तो दूसरे को फोकस नहीं करेगा, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस टाइटल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले चार टाइटल है। चार टाइटल पे मैं लेट सपोज लिखता हूँ स्कोर कार्ड, कंपैरेटिवली स्कोर कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो नीचे था वो ओवर्स थे, तो मैं ओवर्स ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास था स्कोर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्कोर ओके। यहाँ बैटल स्कोर कार्ड था हमारे पास, तो मैंने लिख दिया स्कोर। ठीक है, तो अब ऐसे हमारे पास एक ग्राफ अच्छा सा बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लू रंग सिलेक्ट करता हूँ, देखिए उसने हमारे पास पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है और साथ में ओवर्स को सिलेक्ट किया है। अगर मैं ऑरेंज बार को सिलेक्ट करता हूँ तो उसने हमारे पास इंडिया को सिलेक्ट किया और ओवर्स को सिलेक्ट किया। अब हम जाते हैं इसकी फर्दर एडिटिंग की तरफ। ठीक है, वो हम
यहाँ चार्ट एलिमेंट्स में मैंने बता दिया एक्स का मतलब कि एक्स को ऑफ किया, उसने हमारे पास जो साइड पे डाटा टेबल आ रहे थे वो उसने रिमूव कर दिए, ठीक है। एक्सेस टाइटल्स मैंने आपको बता दिया कि वो होते हैं ओवर्स, स्कोर, यानी एक्सेस पे क्या टाइटल आएगा और वाई एक्सेस पे क्या टाइटल आएगा। चार्ट टाइटल भी बता दिया आपको, डाटा लेबल्स ये भी आपको बता दिया था मैंने क्या होते हैं और डाटा टेबल क्या होता है, एरर बार्स, ठीक है, उसके अलावा ग्रिड लाइंस, उसके अलावा लेजेंड क्या होता है और ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये चीजें हमारी क्लियर होगी। अब आते हैं चार्ट के एडिटिंग की तरफ, ठीक है। तो चार्ट के एडिटिंग की तरफ अगर हम आए तो तकरीबन ये कुछ ऐसे चार्ट के फॉर्मेट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको सिंपल चार्ट फॉर्मेट रहने देते हैं, तो हम जाते हैं कलर्स टॉपिक में। अब कलरफुल, ठीक है, ये कुछ कलर्स की चेंजिंग आ जाती है बीच में, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऊपर देखे चार्ट टूल के जो ऊपर टैब आया उसके अंदर हमारे पास डिजाइन और फॉर्मेट ये दो टैब्स आ चुके हैं, तो हम इसके अंदर से भी कोई डिजाइन चूज कर सकते हैं। इनके अगर हम उस पर कर्सर लेके जाएंगे तो वो अपने आप उसका डिजाइन चेंज कर देगा, ठीक है, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। अब मैं यूज करूंगा, अगर मैं इसको यूज कर लूँ तो ये ज्यादा सूट करेगा, बिकॉज हमने जो एडिटिंग करनी है वो इसके लिहाज से करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास आता है चार्ट फिल्टर्स, उसमें क्लिक किया तो सीरीज यानी कि वैल्यू सबकी आ रही हैं, कैटेगरीज सबकी आ रही हैं। इसके अलावा हमारे पास जब नेम्स में आते हैं तो रॉ 3 पाकिस्तान इंडिया नन ये सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये ऐड चार्ट एलिमेंट, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐड चार्ट एलिमेंट जो हमारे पास आता है एक्सिस, एक्सिस टाइटल, चार्ट टाइटल, ये सब कुछ हमने पहले भी देख लिया। ट्रेंड लाइन में आ जाते हैं और उसके अलावा क्विक लेआउट में अगर हम आए तो वहाँ पे भी ये हमारे पास कुछ लेआउट्स में आ जाते हैं, ठीक है। लेआउट्स में हम ये यूज करें तो देखिए उसने सबको हिस्टोग्राम को तो हमने इकट्ठा कर दिया, ये उसने ब्रेक लाइन बना दी, ये उसने ऊपर नाम लिख भी दिया कौन कौन से थे, तो हम इसको एज सच सिंपल ही रहने देते हैं, ठीक है, ये एज ए सिंपल। या फिर हम ये भी कर सकते हैं दोनों को मिला दें आपस में, बहुत ही ज्यादा सूट करेगा, ओके। तो हमारे पास जो फॉर्मेट चार्ट का आता है, चार्ट के फॉर्मेट में आपका चार्ट एरिया आता है, फॉर्मेट सिलेक्शन, रीसेट स्टाइल, एबीसी, ये सब कुछ, इनके इंबेडेड स्कोर कार्ड था, ये सब कुछ हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा ये कुछ हमारे पास वर्ड शायद यानी कि जो हमने वर्ड लिखे हैं उनको किस तरह का हमने रिप्रेजेंट करना है, तो ज्यादा ब्लैक सूट करता है, ब्लैक सूट कर लेते हैं। उसके बाद शेप फील्ड है, उसके बाद सिलेक्शन पैन है। अब देखें एक है हमारे पास ये और एक है ये पूरा चार्ट, ये एक ग्रिड लाइंस चार्ट का इनर पार्ट है और ये जो बाहर बॉर्डर है ये चार्ट का एक आउटर पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको लेट्स सपोज शेप आउटलाइन, तो अगर हम क्लिक करते हैं यहां से ये चार्ट का इनर पार्ट हो गया, तो लेट्स सपोज मैं व्हाइट फिल कर देता हूँ, देखो उसने व्हाइट कर दिया, ये हो गया हमारे पास व्हाइट। तो ये अब मैंने पूरा चार्ट सेलेक्ट किया है, तो लेट्स सपोज इसको हम कर देते हैं ग्रीन, उसने कर दिया इसको ग्रीन, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा डार्क ग्रीन कर देता हूँ, वो ज्यादा सूट करेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो चार्ट टाइटल्स थे वो डिसअपीयर हो गए हैं, बिकॉज हमने चार्ट का थोड़ा एरिया चेंज कर दिया था, ठीक है। हम एक्सिस टाइटल दोबारा लेके आ जाते हैं, एक्सिस टाइटल्स वो हमारे पास दोबारा आ गए, यहाँ पे दोबारा फिर टाइप कर लेते हैं, इसमें ऐसा कोई ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेस टाइटल आ गया, और लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से बैक स्किप करके फिर यहाँ पे आ गया स्कोर, ओके। तो ये हमारे पास एक ऐसे एक चार्ट बन गया। अब चार्ट के इनर पार्ट में क्या हिस्सा आता है, ठीक है, ये देखिए। अब हमने जो कंपैरेटिव स्कोर कार्ड किया इसको हम मूव करके नीचे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ मूव हैंडल्स हैं, चार्ट टाइटल है ये, यानी कि अगर हम लेट्स सपोज यहां से इसको करते हैं तो ये इसको नीचे लेके आ सकते हैं, यहां पे तकरीबन यहां पे आते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव स्कोर कार्ड, ताकि कुछ ऊपर रह जाए कुछ नीचे आ जाए, ओके। तो ग्रिड लाइंस ऐड कर ली है,
ग्रिड लाइंस पे हमारे पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं कि प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल प्राइमरी मेजर, ठीक है, तो मैं इसको प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल करता हूँ या प्राइमरी वर्टिकल, तो वो हमारे पास बना देगा हमारी ग्रिड लाइंस, ठीक है। यहाँ पे मोर ऑप्शंस में आ जाते हैं, मोर ऑप्शंस में ग्रिड लाइन में क्या मिलता है, ये ग्रेडेड लाइन ऑटोमेटिक सॉलिड लाइन हम करते हैं कि हमें सॉलिड लाइन चाहिए, कलर हमें क्या चाहिए लाइन का, वो हम लेट्स सपोज ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर मिल जाएगा। उसके अलावा ये सब उसकी डिग्रीज है, कंपाउंड टाइप, डैश टाइप, कैप टाइप, ये सब कुछ ये अभी हम एक करेंगे। इफेक्ट्स क्या होंगे कि स्लो ग्लो, सॉफ्ट एजेस, सॉफ्ट एजेस किया तो देखिए जैसे जैसे हम वैल्यूज चेंज करते हैं वो साथ साथ चेंज हो जाती है। शेडो किया तो शेडो में ट्रांसपेरेंसी आती है, साइज आता है, ये सब कुछ आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से करेंगे, ठीक है। आप और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, लेट्स सपोज हम इसमें मार्क करते हैं कि हमने ज्यादा क्या चीज हाईलाइट करनी थी, ज्यादा क्या नहीं थी करनी। तो इसके अलावा अगर मैं ये करता हूँ क्लिक, अब ये देखिए ये मैं यहाँ पे अगर कोई करता हूँ यहाँ के एक्सिस है, तो एक्सिस सेंटर में प्राइमरी हॉरिजॉन्टल भी आ गया, प्राइमरी वर्टिकल भी आ गया। अब इसके अंदर एक्सिस में क्या ऑप्शन मिल जाती है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट बेस्ड ऑन डेटा, टेक्स्ट एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ऑटोमेटिक कैटेगरी वन, यानी कि हमने कितने एक्सिस एक दफा बना सकते हैं, टिक मार्क्स, लेबल, सब कुछ, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास आ जाता है अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, मिडिल सेंटर, टेक्स्ट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, कस्टम एंगल, ये हम खुद अपनी मर्जी से सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टम एंगल यहां कुछ ऐड करता हूं तो वो उसके लिहाज से इसको चेंज कर देगा, ठीक है, इसलिए उसको चेंज नहीं कर रहा। ओके, तो एसएच ये इसमें लेता, ये हमारे पास फिल था, ये लेट्स सपोज अगर हम करते हैं कोई एक्सेस टाइटल बनाते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, उसका स्कोर कार्ड पक्का सारा कुछ, ये सब लेजेंड्स वगैरह, ये सब क्वेश्चन आ चुकी हैं। और ये उन बच्चों के लिए वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सीए प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी एएफसी लेवल पे हैं, जिन्होंने पहली दफा आईटी पर नहीं है, ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी है कि उनको पता चल जाता है कि ये सब कुछ कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास एज एच एक चार्ट एक मुकम्मल हो चुके हैं, तो इस चार्ट को अगर हम सेव करना चाहें, ठीक है, एक हमने ये चार्ट बनाया है, अभी चार्ट को अगर मैं F1 प्रेस करता हूं, ठीक है, तो एक उसने खोला हमारे पास हेल्प बॉक्स, ये नहीं हमें चाहिए, तो इस चार्ट को हम एज एच न्यू विंडो में भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट चार्ज, चेंज चार्ट टाइप है, सेव एज टेम्पलेट है, सेलेक्टेड है, मूव रीसेट टू मैच स्टाइल, पेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हम चेंज चार्ट टाइप से क्या मुराद है, हम ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, उसके अलावा ये था लाइन लाइन चार्ट, ये थे हम जो एस एच मतलब है हमारे पास, वो उसके बाद बार चार्ट बना सकते हैं, एरिया एक्स वाई स्क्वायर कुछ भी नहीं, और हमारे पास जो सिंपल बार चार्ट है वो ये रखेंगे। और अभी चार्ट को हम कर लेते हैं सेव, तो हम फाइल टाइप में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे इसको सेव एज, ठीक है, तो मैं ब्राउज करके डेस्कटॉप पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव किया तो हमारे पास यहाँ पे एज ऐड कर स्कोर कार्ड टेबल, स्कोर कार्ड टेबल, और हमने किया एंटर, तो हमारे पास ये फाइल सेव होगी।